हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्री टाइम्स द एज ऑफ सन, तो एक काम करते हैं, पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी एक्स, फादर की एज को हम एक्स मान लेते हैं, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने वो वाई मान ली। अब पढ़ते हैं कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्या लिखा है। प्रेजेंट ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी एक्स की बात हो रही है, थ्री इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स का एज ऑफ सन। इसका क्या मतलब है कि सन की एज का थ्री टाइम्स करना है। सन की एज अगर वाई ली है, अगर सन की एज आपने अगर वाई ली है तो इसका एक तो थ्री टाइम्स करना है और दूसरा क्या करना है, थ्री ज्यादा भी करना है, थ्री इयर्स मोर यानी प्लस का थ्री भी करना है। तो पहली कंडीशन तो बेटा ये आएगी कि x इज इक्वल टू 3y+3, ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या है इसमें। पहली कंडीशन ये थी जो फादर की एज है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो क्या है, थ्री इयर्स मोर यानी थ्री इयर्स ज्यादा है किससे, थ्री टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। अब बोला है थ्री इयर्स लेटर यानी तीन साल बाद, यानी आफ्टर थ्री इयर्स, After 3 years, अब 3 साल बाद क्या होगा, फादर की एज हो जाएगी x+3 और सन की एज हो जाएगी y+3, 3 साल बाद, 3 3 ऐड करना है। क्या बोला गया, फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन, यानी 10 years ज्यादा हो गई, यानी प्लस का 10 करना है किससे, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन इज इक्वल टू, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि इस बार क्या करना था, पहले देखो फिर सुनो ध्यान से, वाली कंडीशन दोनों में 3 ऐड कर दो, सन में और फादर में, फिर जो सन की एज है वो 10 इयर्स मोर है, किससे मोर है, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन, डबल कर दिया यहां पे ट्वाइस कर दिया। अब सॉल्व करके जरा कमेंट सेक्शन बता दो आंसर क्या आ रहा है। देखो अब मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, आसान रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्यों, x की वैल्यू 3y+3 पता है तो यहां पुट कर देते तो आसान पड़ेगा, तो x को रख देंगे 3y+3, प्लस का 3 है ही तुम्हारे पास, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2y+6 प्लस का 10, 3y प्लस का 6 बराबर 2y प्लस का 6 प्लस 10, 6 से 6 कैंसिल कर दो, 3y माइनस का 2y बराबर 10, तो क्या y की लू 10 आ रही है, क्या y 10 आ गया, और अगर y 10 है तो x कितना आएगा, 3 × 10+3 यानी 33, तो फादर की एज हो जाएगी 33 years, ठीक है, और सन की एज हो जाएगी 10 years, क्या आपका आंसर आ गया 33 and 10 years, क्या आपका आंसर 33 और 10 years आ चुका है, 33 and 10। अगर आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।